तो दोस्तों देखिए, मम्मी पापा और ना मनीषा जा रहे हैं अपने अपने काम को और हम उनको छोड़ने जा रहे हैं। अनाया, मैं और आशा, हम लोग यही हैं। ये देखिए बस का इंतजार लातूर तक के लिए, फिर वहाँ से मनीषा औरंगाबाद जाएगी, पापा मम्मी उससे थोड़ा आगे जाएंगे। तो 5-6 दिन हम लोग साथ में थे, काफ़ी अच्छा समय रहा। अब ये लोग जाएंगे और हम लोग कल निकलेंगे। तो ये देखिए पापा मम्मी मनीषा आशा और हम और अनाया यहाँ पे इनको छोड़ने आए हैं। इस साइड से बस आइए। ये देखिए सब रेडी हो चुके हैं। तो मम्मी पापा मनीषा को पीछे छोड़ दिया है और हम लोग अभी जा रहे हैं खेत में, जहाँ पे लास्ट टाइम गए थे तो बहुत लंबा सांप निकला था। ये आशा बाई के खेत में, आशा बाई मनीषा बाई के खेत में हम लोग जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम अनाया इज गोइंग टू हर मदर्स फील्ड। सो काफी चलने के लिए अभी यहाँ से कितना किलोमीटर? हर फील्ड है, मदर्स फील्ड नहीं, हर फील्ड। या सो कितना लंबा रास्ता है? 2 किलोमीटर। सो 2 किलोमीटर दोस्तों यहाँ पे चलना है। ऑटो मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो चलते चलते जाएंगे। अभी शाम के लगभग 4:45 हो रहे हैं और धूप देखिए बिल्कुल आंखों में लग रही है। सो जैसा मैंने बताया, मम्मी पापा और मनीषा लातूर जाएंगे, 1 घंटा लगेगा। और लातूर से मनीषा की रात को बस है औरंगाबाद के लिए, जहाँ पे वो अपना स्टडी कर रही है, कोचिंग कर रही है। तो 12 घंटे का रास्ता है, 6 घंटे का रास्ता है। तो उसकी कब है बस, कितने बजे? उसकी बस 11 बजे। कम से कम 4-5 घंटे इंतजार करना है। और मम्मी पापा अपने गांव जाएंगे, वहां से करीबन 1 घंटे का रास्ता है। सो यहाँ नानी और मौसी हैं, आज हम यहीं रहेंगे क्योंकि हमारा विचार था जाने का, लेकिन हम लोग गए नहीं क्योंकि नानी और मौसी अकेले हो जाते। तो आज रहेंगे और कल निकलेंगे हम लोग भी लातूर, लातूर से नासिक और नासिक से एक और एक्साइटिंग जगह हम लोग जाने वाले हैं, जो कि आशा लेकर के जाएगी। काफ़ी एक्साइटेड जगह है, महाराष्ट्र आए हैं और वहाँ ना जाएं तो बात नहीं बनेगी। सो ठीक है, हम लोग खेत में चलते हैं, देखते हैं खेत में क्या उग रहा है। सो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग खेत में आ चुके हैं। ये देखिए ये पीछे खेत, क्या ये चना ना? चना बोया गया है। अनाया देखिए देख रही है। सो आ गए खेत में, ये देखिए अभी चने की पैदावार होगी, चना बोया गया है। पास से दिखाते हैं, ये देखिए ये है चना आगे तक, ये देखिए ये सब चना बोया गया है यहाँ पे। ये है खेत और यहाँ पे देखिए सामने वेल, ये है कुआं, यहाँ पे पानी यहीं से जाता है खेत के लिए। ये देखिए ये पाइप्स हैं, काफी काफी गहरा ये वेल है कुआं। और लास्ट टाइम भी मैंने ये दिखाया था औजार वगैरह रखने के लिए, औजार वगैरह रखने के लिए नाना जी ने ये बनाया था। देखिए एक चिड़िया नीचे से पानी से निकली, ये देखिए कैसे सिर उठा रही है। और गुनगुन देखिए क्या खा रही है, गन्ना। गुनगुन खा रही है गन्ना, फर्स्ट टाइम गुनगुन ने गन्ना खाया। थूक भी रही है, थूकना भी आ गया बाबू को। अच्छा तू तो थोड़ा सा आगे जाएंगे, देखेंगे फिर हम लोग भी चलेंगे। यहाँ पे तैरना सीखती थी क्या? नहीं। अच्छा आगे, वो आगे। देखिए इतने सारे बैर यहाँ पे, बैर खाने के लिए हम लोग आए हैं। देखिए इतने सारे बैर ही बैर हैं, बैर ही बैर। ये बैर का पेड़ है और ये देखिए यहाँ पे बैर ही बैर गिरे हुए, बैर ही बैर, बैर ही बैर। देखो बेटा वहां तक, देखिए गुनगुन पहली बार बैर खा रही है। खाओ खाओ, तुम खाओ।
खा लो बेटा, खा खा, नहीं पसंद आया पापा को खिला दो, चलो पापा को दे दो। आ, आ, इधर मुंह इधर है गुनगुन। आ, आ, बहुत अच्छा है, तुम खाओ। आ, नम 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 नम, थैंक यू। बनाना, एक शॉट बनाना। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। सो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। देखिए हम लोग कैसे धूप में गए थे और अभी कितना अंधेरा हो गया है। ये गुनगुन देखो इधर, घर आ गए तो रेस्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये देखिए इस लड़की को, आटा खा रही है, कच्चा आटा खा रही है। ओए निकाल दो मुंह से, कच्चा आटा खा रही है गुनगुन। देखिए यहाँ से कच्चा आटा निकाल के ये खा रही है। चूल्हे में आशा खाना बना रही है और ये कच्चा आटा खा रही है। नहीं इधर आओ, गंदी बात बेटा, आओ, नो नो नो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।